प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 5 विद्युत धारिता चल रहा था और विद्युत धारिता के दो भाग हो गए। दूसरे भाग में अपन ने ओम नियम की व्युत्पत्ति पढ़ ली, जे बराबर सिग्मा ई और उससे ओम नियम की स्थापना भी अपन ने पढ़ी। ओमी चालक तथा अनोमी चालक भी अपन ने पढ़े और आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम आरबीसी बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 2019 में भी आया है, एक दो साल में आता ही रहता है। इसलिए बड़े ध्यान से इस टॉपिक को आप समझेंगे। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध क्या है? किसी बेलनाकार कुचालक पर कार्बन की परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंगीन वलयकार पट्टियां होती हैं और इसके दोनों सिरों पर तार निकले होते हैं जिनका उपयोग संयोजन परिपथ में संयोजन के लिए किया जाता है। 4 रंगीन वलयकार पट्टियां, ये वलयकार, चार रंगीन वलयकार पट्टियां, प्रथम रंगीन पट्टी प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करती है, प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करती है, द्वितीय रंगीन पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को व्यक्त करती, तृतीय रंगीन पट्टी गुणक अंक और चतुर्थ रंगीन पट्टी सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती, सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती। अब अपने पास एक टेबल अपन बनाएंगे, उस टेबल में रंगों के सार्थक अंक गुणक अंक सहायता प्रतिशत अपन लिखेंगे। तो पहला अपना कॉलम है रंग, दूसरे कॉलम में सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरे में गुणक अंक और चौथे में सहायता प्रतिशत, सहायता प्रतिशत, रंग कलर सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक, गुणक अंक मल्टीप्लिकेशन और सहायता प्रतिशत। प्रतिशत टॉलरेंस
ये चार एक सेंटेंस है रंगों का क्रम याद रखने के लिए, बीबीओ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन बीबी रो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। और तीन कलर अपने पास और होते हैं, गोल्डन सिल्वर कलरलेस। पहले विकल्प है ब्लैक, दूसरे विकल्प है ब्राउन, तीसरे विकल्प है रेड, आर का रेड ऑरेंज, वाइट का मतलब येलो और जी का मतलब ग्रीन, बी का अर्थ है ब्लू, वी का अर्थ है वॉयलेट, जी का अर्थ है ग्रीन और डब्ल्यू का अर्थ है व्हाइट। ब्लैक काला, भूरा लाल नारंगी पीला हरा ब्लू नीला वॉयलेट बैंगनी ग्रे या स्लेटी व्हाइट सफेद गोल्डन सुनहरा और सवर्णी सुनहरा सवर्णी सिल्वर चांदी सा चांदी सा वारणहीन वारणहीन। ये कलर हो गए। पहला अपना कॉलम सार्थक अंक, सार्थक अंक जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ तक, ठीक है। सुनहरा चांदी सा वर्णहीन ये रंग पहली और दूसरी पट्टी पर मिल जाएंगे, पहले और दूसरी पट्टी पर ये 10 कलर ही आएंगे और इनके साथ का अंक हमने यहाँ पर टेबल में लिख दिए। फिर गुणक अंक, जो सार्थक अंक है वो 10 की घातों के रूप में, 10 की घात 0 1 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 10 की घात 4 10 की घात 5 10 की घात 6 10 की घात 7 10 की घात 8 10 की घात 9 और सवर्णी
10 की घात माइनस 1 और 10 की घात माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब इनका संहिता प्रतिशत, इसका प्लस माइनस 5%, इसका प्लस माइनस 10%, और कोई रंग नहीं है, इसका प्लस माइनस 20%, ये संहिता प्रतिशत हो, ठीक। ये अपने टेबल तैयार हो गई। अब अपना इस पर आधारित क्वेश्चन है, किसी कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम लाल, रंगीन पट्टियों का क्रम लाल, पीला, भूरा तथा स्वर्णिम है, तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। किसी, यहां से मैं उठा लेता हूं, क्वेश्चन किसी कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम लाल, पीला, भूरा तथा स्वर्णिम। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आंसर, पहले दो रंग हैं, प्रथम रंगीन पट्टी प्रथम सार्थक अंक को, द्वितीय रंगीन पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को, तृतीय रंगीन पट्टी गुणक अंक को, चतुर्थ रंगीन पट्टी संहिता प्रतिशत को व्यक्त करती है। तो R बराबर प्रथम रंग क्या है, लाल, ये रहा लाल, लाल का सार्थक अंक कितना है, 2, तो यहां पर अपने लिखा 2। फिर दूसरा रंग पीला, ये रहा पीला, पीले का सार्थक अंक कितना, 4, तो 2 के आगे 4 बचा दिया, क्या हो गया, 24। प्रथम और द्वितीय पट्टियां सार्थक अंकों को व्यक्त करती हैं, लाल का सार्थक अंक 2 हो गया, पीले का सार्थक अंक 4 हो गया, तो 24 बन गया। तृतीय रंग है वो गुणक अंक, गुणा लगा के। तीसरा रंग क्या है, भूरा, और भूरे का गुणक 13, भूरा भूरे का गुणक अंक 10 की घात 1, तो यह आ गया 10 की घात 1। प्लस माइनस चौथा संहिता प्रतिशत स्वर्णिम, और ये रहा स्वर्णिम, स्वर्णिम का संहिता प्रतिशत प्लस माइनस 5%, तो ये प्लस माइनस 5% मात्र क्या हो गया, वो हो गया। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, R बराबर 240 प्लस माइनस 5% और मात्र क्या आ गया, वो मान। तो R बराबर 240 अगर प्लस माइनस 5% निकालना है, तो 5/100 × 240, 5 × 10 और 2 से घटकर ये 12, तो R बराबर 240 प्लस माइनस 12 ओम आ गया, प्लस माइनस 12 ओम आ गया। अब पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव लेने पर R बराबर 240 प्लस 12 बराबर 242, नेगेटिव लेने पर तो R बराबर 240 माइनस 12 और R बराबर 228 ओम, ये 242 ओम, अधिकतम तो 242 ओम हो गया और न्यूनतम 228 ओम हो गया। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि कार्बन प्रतिरोध का मान दे दे और रंगीन पट्टियों का क्रम पूछ दे, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में।
कार्बन प्रतिबंध का मान ले लिया जाए और रंगीन प्रश्नों का क्रम पूछ लिया जाए। इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में आते हैं। तो किसी क्वेश्चन सेकंड किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 5.7 × 10⁴ + −10% ओम है। कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का कर्म होगा। ये अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आंसर R = 5.7 × 10⁴ + −10% मात्र क्या हो गया आपको R = 57 × 10⁴ + −10% और मात्र क्या आ गया आपको मात्र। अब पहला सार्थक अंक क्या है यहां पर 5 है। 5 सार्थक अंक देखो ये रहा 5 5 इसका सार्थक अंक हरे। दूसरा इसका पॉइंट पहले का कम हो गया और पॉइंट रखना भी नहीं है यहां। 7 सार्थक अंक किसका है बैंगनी का। 7 के सामने क्या है बैंगनी। तो पहला सार्थक अंक है 5 और 5 के लिए रंग है हरा। दूसरा सार्थक अंक है 7 और 7 के लिए रंग है बैंगनी। और तीसरा रंग आपका गुणकम के लिए, गुणकम 10⁴ तो 10³ गुणकम के लिए रंग है नारंगी। और चौथा ±10% सहायता प्रतिशत होता है ±10% के लिए चांदी सा। तो 5 के लिए 7 का अंक क्या आ गया हरा। 7 के लिए 7 का अंक क्या हो गया बैंगनी हरा बैंगनी। फिर 10³ गुणक अंक इसका होता है नारंगी तो ये आ गया नारंगी। और तथा चौथा सहायता प्रतिशत और सहायता प्रतिशत 10% इसके लिए है 40। ये रंगों का कारण चांदीसा ठीक है। तो पहला सार्थक अंक 5 और 5 के लिए रंग है हरा, 7 के लिए रंग है बैंगनी, 10³ गुणक अंक उसके लिए रंग है नारंगी और प्लस माइनस 10% सहायता प्रतिशत है उसके लिए 40। ये अपना क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन -7
मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक से नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है। नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक का प्रतिरोध 5 ओम हो तो प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। आंसर L बराबर 15 मीटर, अनुप्रस्थ काट A बराबर 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। ये तो आपको दिया हुआ है। ज्ञात क्या कराया है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो ज्ञात कराई है। और हमारा फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटा A। तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल। आर का मान 5, ए का मान 6 × 10⁻⁷, एल का मान 15, 5 से काटकर भी दिया गया 3 और 3 × 6 तो उत्तर क्या आया 2 × 10⁻⁷। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। यदि x बराबर 8 ओम तथा y बराबर 48 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर हो तो चालकों की लंबाई आधी कर देने पर एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। आप यहां देख रहे हैं एक्स आपको ओम या मात्रक है, इसका मतलब एक्स क्या है? प्रतिरोध है। और वाई बराबर 48 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर का है। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसलिए ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018। लंबाई चालकों की आधी कर देते हैं तो अपन जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो आंसर में चालक की लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लंबाई दुगनी कर देते तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाता। यहां प्रतिरोध कितना ओम था? 8 ओम। तो प्रतिरोध लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा था, 4। लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध भी
आधा हो जाएगा। अतः x बराबर 4, अतः x बराबर 4, ठीक x समान तो आ गया। y यहां पर क्या है, प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता है वो लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोधकता लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। इसलिए y का मान क्या होगा, y बराबर 48 गुणा 10 की घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर ही रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।